एक उसके भी अच्छी दवा का नाम है स्पाइनोसेक, वो केमिकल है अभी जो दवा बताइए वो नल केमिकल है स्पाइनोसेक, हाँ नन केमिकल 1.25 ml पर लीटर वाला, ये 1 ml पड़ता वो 1.25 ml पड़ेगा, तो हाँ दोनों का सेम काम है। दस मीटर से कम पर आम के मत लगाइए, जैसे घड़ी सघन बागवानी आ गई बैठे लोग 6 मीटर पर भी लगा रहा बा, लेकिन रउआ 6 मीटर पर मत लगाई, रउआ करे के 10 मीटर पर लगाई, रउआ काहे कहते खेत जियान हो गए ना, जे खेत जियान निके हो गए हमारा वो बीच के जगह के फायदा उठावे के बैठे, ओकरा बीच में हम ओकरा में अमरूद लगाई, वो बीच में हम केला लगाई, वो बीच में हम पपीता लगाई, बुझे न, ओकरा किनारे किनारे हम नींबू लगाई, ये तरीका से ओकरा के हम ओकरा के सघन कर देब कि हमरा हर महीने 2 महीने पर, अब नींबू के सीजन खत्म भइल तो अमरूद के शुरू हो गए, अमरूद के खत्म भइल तो पपीता के शुरू हो गए, पपीता खत्म भइल तो कटहर केला हमारे तैयार हो गए, मतलब हमेशा हमारा इनकम आ रहा बैठे। अगर ये तरीका से अगर हम अपन बागवानी के शुरू करतनी तो रवा मान के चलिए कि कम से कम सबसे बुरा हो तो रवा 1 एकड़ खेत से 1 लाख रुपया तो मिनिमम सालाना इनकम हो कहीं के बैठे, केहू ओकरा के रोके वाला नहीं के, एगो ही तरीका भाई। दोसर बा कि नहीं हमार तो अब खेत बटे एकदम पानी में, ओजा हम केगा लगी, बात सही बटे, अब नहर के पेट में बटे खेत तो तुम्हें तो आम तो ना लगी, सही बात बा, ओजा का करो, ओजा हमारा खातिर दोसर विकल्प बटे कि हम ओकरा में केला के साथे धान लगाए। हम लोग बता दी कि हम दावत में दिनारा में अगियाओं में ये सब जगह पर हम केला और धान की खेती करौले बानी, लोग अभी सफलतापूर्वक ओकरा के कैले बकरा में करे कुछ नहीं के रवा के हम 1 कट्ठा के इकोनॉमिक्स बता रहा बनी, ओकर पेड़ के सबसे ज्यादा दाम होखेला तो 20 रुपया, एक वो पौधा के दाम 20 रुपया बटे 1 कट्ठा के हिसाब बताओ तो नहीं कि 1 कट्ठा में रवा 35 गो पेड़ लगे, हम रवा के 1 कट्ठा कैसे बताओ तो नहीं कि रवा पहले